नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर इस वक्त है पंजाब में और पंजाब में चार सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा बाबा नानक में और यहां पर उपचुनाव है। उपचुनाव की वजह यह है कि यहां पर कांग्रेस के जो सांसद विधायक थे सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो अब सांसद बन गए हैं, तो इस वजह से जो है इस सीट पर उपचुनाव होना है। और इस उपचुनाव में जो है सही मायनों में हम कहें तो आम आदमी पार्टी की अग्नि परीक्षा है। और डेरा बाबा नानक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीनों पार्टियाँ जो है उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा की पत्नी जतिंदर कौर रंधावा चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने यहाँ से चुनावी मैदान में जो है रविकरण कालो को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने जो है वो गुरदीप सिंह रंधावा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर और कैसी है भगवंत मान की सरकार, बीते ढाई साल में कैसा काम किया है। क्या नाम है जी आपका? निशान सिंह सर। मुझे ये बताइए कि अब तो ये उपचुनाव है, क्या देखते हैं आप लोग उपचुनाव को लेकर, क्या लग रहा है इस बार चुनावों को? तो सर ऐसे ही आगे माहौल माल भी ठीक नहीं है पंजाब का, और रोड राड भी चलो करना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है? नहीं बाकी ठीक है सर। 14 बार चुनाव हुए डेरा बाबा नानक में, 9 बार यहाँ से कांग्रेस जीती। कांग्रेस के लिए ये साख की लड़ाई है, सुखजिंदर रंधावा की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, कैसे देखते हैं? क्या आम आदमी पार्टी इस सीट को निकालेगी या बीजेपी या फिर कांग्रेस फिर से? ये कुछ नहीं कह सकते सर, ये कुछ नहीं है। टक्कर बहुत तगड़ी है सर, जिमनी चोन की जी टक्कर है ना बहुत तगड़ी है सर। हाँ जी हाँ जी, इसके बारे में जो भगवंत मान की सरकार ढाई साल हो गए चलते हुए, कैसा काम कर रही है? नहीं काम तो बढ़िया किए सर, इन्होंने काम बढ़िया किए हैं। बस यही है कि नशा नहीं रोक रहा, ये ना बॉर्डर की है, मतलब उनका भी नहीं है कुछ भी लेने। और तो ड्यूटी करते हैं उधर, मतलब ड्यूटी करते हर टाइम वधिया, पर फिर भी जो ड्रोन से आता है वो आता है उनको भी पकड़ते हैं जी BSF वाले। तो को लेकर जो है सरकार, वो चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, दोनों काम नहीं कर रही। हाँ दोनों ही नहीं काम कर रही, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी सब चीज़ें इन्होंने भगवंत मान ने तो खींचा है सर, भगवंत मान ने खींचा थोड़ा। SSP कट्ठे किए एक दिन DIG उनका दिया, उन्होंने खींचा थोड़ा, क्योंकि इसलिए तो ये अपना क्या नाम है गैंगस्टर नहीं मार दिए, ऐसे मरे हैं वो। बाकी आपको मालूम ही है। बाकी यहाँ पर क्या देखते हैं अब की बार, क्या लोग जो है वो सरकार के साथ जाना चाहेंगे या बदलाव करना चाहेंगे, सरकार के कामों से खुश नहीं है? ये सरकार सर आप ही खुद करना है, जो करना था देखो पता ही है। पब्लिक तो कुछ कर नहीं सकती, पब्लिक के तो वातों वातों यही है ना पुलिस भेज देगी, मतलब तो मतलब ये है कि जैसे पहले था वैसे माहौल नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? धीरज अत्री। ये बताइए उपचुनाव में क्या लग रहा है, एक तरफ आम आदमी पार्टी जो सरकार में है, एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ बीजेपी, इस बार अकाली दल तो है ही नहीं कहीं, तो खत्म हो गया सर, तो किसका माहौल बन रहा है? सर नेचुरली बात है, जहाँ से MPP रंधावा ही है, सुखजिंदर रंधावा, ठीक है ना, तो उनके लिए तो बहुत सिरदर्दी का काम हो गया, क्योंकि सीट निकालनी पड़ेगी, हर हालत में निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आम आदमी और कांग्रेस का है, बीजेपी का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो आम पब्लिक क्या सोचती है, क्योंकि एक तो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, क्या आम पब्लिक चाहती है कि हम सरकार के साथ जाएं, या फिर सरकार के कामों से इतना खुश नहीं है कि हमने जो है वो विधायक किसी और पार्टी का बनाना है? सर विधायक तो अभी एक ही इलेक्शन है, एक ही सीट पर इलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, इसका तो जैसे गुरदीप रंधावा आम आदमी से बन जाता है, जैसे रंधावा की लेडीज बन जाती है ना, तो बात तो कॉमन एक ही है ना, सरकार थोड़े ना बनेगी रहेगी। जैसे खाड़े में दो पहलवान गिरते हैं, एक दिन तो गिरना ही है ना, बाकी जो BJP का एक्स्ट्रा अन्य लोग घटते हैं उनका नहीं रोल है। दोनों की फाइट है, फाइट है। आगे कौन चल रहा है? आगे रंधावा चल रहे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुखजिंदर रंधावा की पत्नी। हाँ पत्नी, लेकिन थोड़े बहुत काम कराए भी उसने, थोड़ा आगे चल रहा है। मतलब
उसके देने सारा जो गेट चल रहा है, कोई भी डेवलपमेंट हो रही है ये दावा की ओर से हो रही है, दावा की वजह से जो हाँ काम हो रहा है। कुछ और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? हाँ जी सर विशाल। मुझे एक बात बताइए, अब उपचुनाव आ गए हैं, क्या लग रहा है फिर यहाँ पर डेरा बाबा नानक में? लग रहा है ये सर है, कुछ भी लग रहा है। कौन जैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है और कांग्रेस है, अकाली दल तो इस बार है नहीं, तो इन तीनों में कौन सी आपको लग रही है सही है? और सही सरकार कोई भी नहीं है मेरे मुताबिक, सभी बातें करते हैं, जब चुनाव आती है बातें करते हैं, ऐसे ऐसे वादे करते हैं, करता कोई भी नहीं। जैसे आम आदमी पार्टी को सरकार बनाए हुए 2.5 साल हो गए हैं, कैसा काम किया है? बिजली पानी की जो उन्होंने गारंटियां दी उन पे खरा उतरी? वो चलो बिजली पर तो खरा उतरी है, जो राशन दे रहे हैं वो भी कभी आता कभी नहीं आता, वो भी नहीं आ रहा है सीधे तरह। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से गुरदीप रंधावा है, जतिंदर कौर रंधावा जो है वो सुखजिंदर सिंह रंधावा की पत्नी कांग्रेस से है, रविकरण जो है वो है बीजेपी से भाजपा से, तो इन तीनों में कौन लग रहा है आपको आगे? आगे तो जो रंधावा जी की पत्नी है वो ही लग रही है, जतिंदर कौर। क्या नाम है जी आपका? वीर सिंह। आप मुझे ये बताइए कि उपचुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है यहाँ? माहौल ठीक ही बन रहा है, जो के साथ जा रही है जनता अभी कोई पता नहीं चल रहा है, हाँ जैसे मंत्री चल रहे हैं ऐसे जनता भी चल रही है। एक बात और बताइए मुझे कि ये जो भगवंत मान सरकार है कैसा काम कर रही है? काम ठीक कर रही है, जैसे ये कह रहे थे कि आम लोगों को बड़ी सहूलियत देंगे, गारंटियाँ दी थी, कुछ फायदा हो रहा है ना? बिजली पानी का कुछ मिल रहा है? बिजली तो मिल रही है बस, और कुछ नहीं है, जो राशन था वो भी कट जा रहा है और वो भी नहीं पूरा मिल रहा है, आता है तो लोग बीच में से बंद कर देते हैं, कोई भी नहीं देता। बाकी काम कैसा है? और बाकी काम ठीक ही है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? आइए आइए बताइए, हैं बता क्यों नहीं रहे आप? कुछ और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि। हाँ जी सर, क्या नाम है जी आपका? राहुल। मुझे ये बताइए कि अब उपचुनाव है जी सर, क्या लग रहा है इस सीट पर, डेरा बाबा नानक की सीट पर? देखो कौन जीतता, एक तरफ तो जतिंदर रंधावा है, सुखजिंदर रंधावा की पत्नी, एक तरफ है भाजपा का रविकरण और एक तरफ आम आदमी पार्टी का गुरदीप रंधावा, ये तीन उम्मीदवार है, क्या लग रहा है इनमें? तीनों का पूरा, तिन्ना का पूरा पूरा जोर है, तीनों का पूरा जोर, तीनों का पूरा है। आगे कौन चल रहा है? आगे तीनों चलते भी इस टाइम, तीनों चलते, फाइट चल रही है, मैं कहना पूरी जल्दी भी तिन्ना दी। अच्छा जी, और ये जो भगवंत मान की सरकार है कैसा काम कर रही है? ठीक है सर, सारे वधिया कर दी, घर दे परिवार नहीं कोई बंदा खुश कर सकता, पंजाब के तो कुछ कर लेगा, सब कोई वधिया चलता पे दुनिया दे। ये जो पानी बिजली की ये जो गारंटियां दी थी इन पे खरा उतर रही है, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बंद, सानू मिलदी पई, सानू केदा नहीं पता, मिलदी पई है, मालक ना किसी नू मेडिकल दी सुविधा किसी नू ना पवे, बंदा तंदुरुस्त रहे, कोई लोड़ ही नहीं किसी दी। ठीक है, प्रिंट क्लिनिक वगैरह काम तो कर रहे हैं ना यहाँ सर? इन्नी नॉलेज नहीं हैगी, बाकी ठीक है चलती पी दुनिया, किसी को पता पता नहीं, इन्नी है नहीं, खुलिया कोई क्लीनिक तो दसो दी है, नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, युवा है हमारे साथ, क्या नाम है जी आपका? लवप्रीत सिंह। लवप्रीत, मुझे ये बताइए कि उपचुनाव है यहाँ पर, क्या माहौल बन रहा है, क्या युवा क्या सोच रहा है, सरकार के साथ जाएगा या फिर खिलाफ जाएगा? सर दोनों तरफ बहुत जोर है, आम आदमी का कांग्रेस का भी, हाँ जी। बीजेपी? बीजेपी का कम है, हाँ जी। आगे कौन लग रहा है आपको? आगे दोनों ही बराबर ही है, आम आदमी कांग्रेस, इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। ये जो भगवंत मान सरकार है ये कैसा काम कर रही है? ठीक है, अच्छा है, हाँ जी। जो इन्होंने गारंटियां दी थी उन पे खरा उतर रही है अभी? हाँ कुछ होगी या पूरी कुछ कर देंगे, हाँ ये सही चल रही है सरकार, ठीक है। जी क्या नाम है जी आपका? अविनाश। मुझे ये बताइए यहाँ पर अब चुनाव है, वोटा पड़ रही है अभी, तो क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ पर अभी इस बार? ये नहीं पता, अपने कलानोरो आए दिया। अच्छा
अच्छा कलानौर से आए हैं। हाँ जी। सरकार कैसी काम कर रही है भगवंत मान की? ठीक है, बढ़िया बढ़िया काम कर रही है। हाँ जी। ये जो पानी बिजली की जो सुविधाएं हैं मिल रही है? हाँ जी, सबको सही। हाँ जी। बिल जीरो आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी आ रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? अरजवंत कौर। ये देनी है आप मुझे? आप मुझे ये बताइए भगवंत मान सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया, अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। हाँ जी। ठीक चल रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या ऐसे काम आपको अच्छे लगे कि ये सही है महिलाओं के लिए भी, आम लोगों के लिए भी? जैसे बिजली उन्होंने कहा कि मुफ्त कर देंगे, एक मोहल्ला क्लिनिक भी उन्होंने बनाने की बात की थी जिनको पिंड क्लिनिक पंजाब में नाम दिया गया, ये चल रहे हैं? हाँ जी, बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह। मेरे को पैन पड़ा नहीं, मेरे को अच्छा मैनू एक गल दसो, तुसी यहाँ पर है उपचुनाव बाई इलेक्शन, की माहौल बन रहे थे? माहौल का कोई पता नहीं लगता जी। अच्छा। ये हैगी सरकारबाजी। अच्छा। ये कोई पता नहीं कि चले जाने कि आ जाना। केड़ी है? एक आम आदमी पार्टी गुरमीत सिंह, एक संतोख सिंह दा मुंडा सुखजीत सिंह भी रंधावा, पत्नी जतिंदर कौर, भाई सुरेंद्र कौर, तो उधरों अपना नवीकरण कारण दा मुंडा, वो बीजेपी वालों, यो तीन बंदे ने थे। आम पब्लिक क्या सोच रही है, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है वो है भगवंत मान की सरकार, लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ का विधायक भी भगवंत मान का होना चाहिए या फिर इतने कामों से खुश नहीं है तो इसलिए दूसरी पार्टी का होना चाहिए? कोई भी काम नहीं के होया इतने कुछ भी, जब कोई काम किया होया ना, कोई डिवेलपमेंट की होए जहाँ कोई सड़क हो, हालत सड़क की बनी दी है, तुम आए हो सड़क की हालत आ, ये तो पैसे उतो मंगाई आता तो खाई जान देते हैं, होर करना इन्हें की आ जहाँ तक है। तो मैं आ रहा था तो ठीक लग रही थी मुझे, तो नई चकाचक सड़कें बना रखी है यहाँ पे अमृतसर से लेके यहाँ डेरा बाबा नानक तक तो। की सड़क अबटाला रोड देखो ना कितना गंद पैदा, शहर का चार चपेरा देखो, गुरु की नगरी है ना, ये गुरु की नगरी है ना, इसे की पोजीशन है? यहाँ काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, कोई कर ही नहीं रहा। ये जो पानी बिजली को लेकर ये गारंटियाँ दी थी, इन पे काम हुआ? पानी तो अगे भी सप्लाई चलती रही, बिजली अगे भी चलती, हूँ कोई नवे थोड़े ने कोई प्रोजेक्ट कोई लाए ने जिंद वो खरा काम होया। लेकिन इससे पहले सुखजिंदर रंधावा यहाँ से जीते, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और कांग्रेस के ही विधायक रहे, तो आम आदमी पार्टी का तो यहाँ कोई नुमाइंदा था नहीं, तो इस बार क्या लग रहा है फिर आपको? कि फिर पलटी मार जानी है रंधावे ने, बाजी मार जानी है। मार जानी है। दो मिनट दोगे? चलो मैं कर दा जी। बस इतने दे दो तुसी। हुकम करो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नागी, डेरा बाबा नानक। तो मुझे ये बताइए कि अब बाई इलेक्शन है यहाँ पर, सुखजिंदर रंधावा जीते, अब वो सांसद बन गए तो सीट हो गई खाली, अब उनकी पत्नी जो है चुनावी मैदान में है कांग्रेस से, और गुरदीप रंधावा जो है वो आम आदमी पार्टी से, रविकरण कालो जो है वो बीजेपी से, इन तीनों में क्या लग रहा है यहाँ पर? लग रहा तो हमारे इधर आपको पता है किसानों से जो बर्ताव हुआ था बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की तो वोट डलेगी, थोड़ी डलेगी है ना, ज़्यादा मुकाबला तो इसका है कांग्रेस और आम का। और इन दोनों में क्या लग रहा है, क्योंकि सरकार मौजूदा जो है वो बेनिफिट जो है आम आदमी पार्टी को दिख रहा है या कामों से खुश नहीं है आम आदमी पार्टी के लोगों से? नहीं खुश भी है, सहूलतें भी काफ़ी दी हुई हैं सरकार ने, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नशे की है हमारे एरिया में, नशा ज़्यादा हो गया। क्योंकि ये पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है तो यहाँ पे नशा जो है वो सबसे बड़ी समस्या। हाँ नहीं वो बात नहीं है, पाकिस्तान का बॉर्डर तो पहले से चल रहा है, अभी नया तो बना नहीं। ये क्या प्रॉब्लम है ये तो हम जो तो देख ही रहे हैं आप सब कुछ, मतलब मेन प्रॉब्लम जो जब ये सरकार आई सहूलतें काफ़ी थी, काम भी किए, लेकिन जो नशा बढ़ गया, नशा बढ़ गया, उस पे कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं होना, जो अमन कानून व्यवस्था वो भी डाउन चला गया, डाउन चली गई, गुंडागर्दी बहुत है, कतलेआम
नॉर्मल सी बात है। तो आपके हिसाब से फिर इस सीट पर कौन जीतना चाहिए, आपका नुमाइंदा कौन होना चाहिए? नुमाइंदा तो फिर वो चेंजिंग तो मांगेंगे लोग, जब सिस्टम सही नहीं चलेगा फिर चेंजिंग तो मांगेंगे। बाकी सरकारें कोई भी नहीं माड़ी, सरकार कांग्रेस भी अच्छी है, आम भी अच्छी है, थोड़ा सिस्टम सही होना चाहिए, बाकी ठीक है। ये जो भगवंत मान को 2.5 साल हो गए सरकार चलाते हुए, कैसी सरकार रही? क्योंकि मिड हो गया है पूरा का पूरा, मिड जर्नी तो तय कर ली है भगवंत मान ने। हाँ जी, हाँ जी, सरकार तो अच्छी है वैसे, लेकिन इस बार इधर किसान मंडियों में भी काफ़ी प्रॉब्लम आई किसानों, हाँ, तो उसकी वजह से भी थोड़ा ये प्रभाव पड़ेगा। ये जो गारंटियाँ इन्होंने दी थी, जैसे बिजली की है, पानी की है, मोहल्ला क्लिनिक की है, ये कुछ डेवलप किए इन्होंने इनमें? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं काफ़ी, हमारे इधर तो थोड़ा कम है, बाकी इधर शहरों में बने हुए हैं, काफ़ी गांव में भी बने हैं, मैं काफ़ी काम किया है वैसे। सहूलियत मिली है लोगों को? हाँ, मिली है बिल्कुल, और बिजली फ्री मिल रही है, सबसे बड़ी बात है बिजली फ्री मिल रही है। तो उसमें जो गरीब वर्ग था, ज़्यादा नीचे वाले लोग, वो कहीं से बिल ही नहीं जाता था, जिनका थोड़ा कम, जो जिसका 500-1000 रुपये बिल आता है, या जो जिनकी यूनिटें कम आती है उनको बेनिफिट ज़्यादा है, जो ज़्यादा एसी वैसी चलाते हैं उनको थोड़ी। एसी वाले तो फिर वो उनका बिल ज़्यादा आएगा, वो तो पे करना ही पड़ेगा ना, सहूलियत के हिसाब से देना ही। चलो, एक मतलब अच्छी सरकार है, कोई बात नहीं, थोड़ा सिस्टम सही होना चाहिए, थोड़ा सा सिस्टम की और सुधार की ज़रूरत है भगवंत मान सरकार को, खास करके लॉ एंड ऑर्डर एंड नशे की जो बात बताई इन्होंने खास करके। हाँ जी, आप आइए इधर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह जी। मुझे एक बात बताइए कि ये बाई इलेक्शन है अब तो, क्या लग रहा है इस बार फिर? ठीक है, कांटे की टक्कर है। किस किस की? दोनों की, कांग्रेस थे आप, कांग्रेस थे आप, बीजेपी ने भी तो उतारा है यहाँ पे उम्मीदवार अपना। बीजेपी दिखा रहे थे, बीजेपी नहीं आया, बीजेपी नहीं आई। क्या कारण है बीजेपी का ना आने का यहाँ पे? बीजेपी का किसान वोट है वो नहीं पाते। लेकिन हरियाणा में देखिए कितने किसानों ने साथ दिया था, लेकिन हरियाणा में सरकार बना गई, फिर से बताइए। हाँ, हमारे इतने झोने की देखो क्या बेकदरी हो रही है, मंडिया अज तक झोना लोग बैठे। एक बात ये भी बताइए कि आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है? ठीक है, ठीक काम कर रही है। ये जो इन्होंने वादे किए थे, जो गारंटियाँ दी थी, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी ऐसी गारंटियाँ इन्होंने पेश की थी, उनमें कुछ काम हुआ? कुछ हुआ, कुछ हो रहा। ओवरऑल खुश हैं आप लोग सरकार से? खुश खुश हैं। तो ये तमाम लोग थे डेरा बाबा नानक, ये जो हल्का है यहाँ पे बाई इलेक्शन होना है, और बाई इलेक्शन की वजह जो मैंने बताई आपको कि यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता सुखजिंदर रंधावा जो है वो विधानसभा जीते थे, फिर उसके बाद में 2024 लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए, सीट ये खाली हुई। इस बार उनकी पत्नी यहाँ से जो है वो जोर आजमाइश कर रही है, उनके सामने जो है बीजेपी से रवि करण कहलो जो है वो निर्मल सिंह, एक बड़े नेता अकाली दल के, उनके बेटे हैं। इसके अलावा जो है आम आदमी पार्टी की ओर से गुरदीप सिंह रंधावा चुनावी मैदान में है। ये भी बताते चलूँ कि आपको यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा जो है वो काफ़ी सालों और काफ़ी अरसे से रहा है, 14 बार यहाँ पर इलेक्शन हुए जिसमें से 9 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। नमस्कार।